नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दशरथ है और आज आप सभी को स्वागत करता हूँ माई YouTube चैनल पर। मेरे हाथ में आज है MI Redmi Note 5, ठीक है। सो ये Redmi Note 5 है फ्रेंड, और इसमें ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं पता लगा कि आपको ऑन करने का कोशिश करता हूँ, ये कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ठीक है फ्रेंड, कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब मैं चार्ज कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ओनली लाइट शो होता है, ठीक है। ऑन करता हूँ तो कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता है, पूरी तरह से ये डेथ है, ठीक है। और आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा मल्टीमीटर यूज करता हूँ मैं, और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरा जो मल्टीमीटर है मैं यूज करता हूँ डीप कंडीशन में, और इसको चेक करता हूँ तो ये कुछ कटिंग का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ठीक है। ठीक है, दोनों तरफ नहीं बताना चाहिए, फिर भी ये दोनों तरफ बताता है। इससे हमको पता चलता है फ्रेंड कि ये कुछ कहाँ ना कहाँ शॉर्ट है। तो और फिर मैं आपको खेने की कोशिश करूँगा जूम करके थोड़ा। यहाँ पर जो मेरा मोबाइल है देख सकते हैं, मैंने चार्ज कनेक्ट करता हूँ और जब ये IC के पास हाथ रखता हूँ तो ये थोड़ा थोड़ा हीट होता है। और आपको दिखाना चाहूँगा कितना जल्दी ये IC का जो मैंने थिन आउट डाला हूँ इस IC में, जो सॉरी बैटरी की टिप्स लगा देता हूँ, कितना जल्दी ये जो IC है ना थिनर सूख लेता है, ठीक है। और एक बार दिखाता हूँ आपको, ठीक है, अभी सूख लेगा, ठीक है फ्रेंड। हेलो, देखिए फ्रेंड, ये जो IC है बॉल जल रहा है, मगर ये IC कितना जल्दी हीट हो रहा है, ठीक है। तो आज इस IC को मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा, फिर भी फिलहाल मोबाइल ऑन नहीं। तो वीडियो के साथ ज़रूर बना रहिएगा। आज इस IC किस तरह से निकालते हैं और किस तरह से लगाते हैं आज मैं वीडियो में बताने वाला हूं, और आप कैसे करके टेस्ट कर सकते हैं। वोल्टेज तो निकल रहा है इस IC से, बट ये IC थोड़ी थोड़ी हीट हो रही है, तो डेट का प्रॉब्लम जो है ना ये हो सकता है मेरे ख्याल से। इसीलिए मैं इस IC को आज निकालूंगा और आपके सामने रिपेयर करूँगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फिर माइक्रोस्कोप के पास जाते हैं और इस IC को निकालते हैं और देखते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं जो कैपेसिटर है हमारा, ये वाला जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट बता रहा था, ठीक है। ये वाला मैं शॉर्ट बताया रहा था दो साइड में, ठीक है। और इस IC को भी मैंने खोल चुका था, ठीक है, क्योंकि ये IC हीट हो रहा था पहले, तो इस IC को भी मैंने निकाला था। बट ये वाला जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट दे रहा था दो साइड, ठीक है। फिलहाल ये अभी तक दे रहा है, यहाँ पर शॉर्ट होगा, पूछ कर। सो फ्रेंड, देखिए ये वाला जो IC है मैंने पहले निकाल चुका था, ठीक है। ये वाला जो IC आप देख रहे हैं ये हीट हो रहा था, तो पहले मैं निकाल चुका था, लेकिन उसके बाद भी ये जो दोनों कैपेसिटर है आप देख सकते हैं, ये जो पास में है अभी, ये जो शॉर्ट बता रहा था ये IC की वजह से शॉर्ट बता रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कंटिन्यूटी, उसका जो कंटिन्यूटी आता है, देखिए फ्रेंड, मैंने दोनों IC खोला था लेकिन एक को बिठा दिया है। मेरे पास लड़का नहीं था मोबाइल पकड़ने के लिए, तो मैंने वीडियो नहीं बना पाया। ये जो IC है मैंने बैठा चुका हूँ, और अभी फिलहाल दूसरे साइड में एक IC है उसको बैठाने जा रहा हूँ, उसके बाद मोबाइल को ऑन करेंगे। देखिए फ्रेंड, जो कंटिन्यूटी दोनों तरफ बता रहा था ये वाला जो टिप्स में, सॉरी मैं मल्टीमीटर को पास में लेके आता हूँ आपको पता चले जैसे, ठीक है, दिख रहा है ना भाई मल्टीमीटर, ठीक है। दोनों तरफ से ये कंटिन्यूटी बता रहा था, ये देखिए एक ही तरफ तो बता रहा है कंटिन्यूटी, ठीक है, और ये रहा दूसरा साइड, ठीक है। पहले जो शॉर्ट बता रहा था अभी ये शॉर्ट नहीं है, ठीक है।
ये देखिए, ठीक है फ्रेंड, पहले दोनों साइड में बता रहा था कंटिन्यूटी, अभी एक ही साइड नहीं बता रही। ये तो नेगेटिव है, ठीक है, ये तो नेगेटिव है, आपको पता है। और ये दोनों तरफ जो बता रहा था, अभी ये नहीं बता रहे, क्योंकि पहले आईसी शॉर्ट था, अभी फिलहाल और एक बाकी है आईसी लगाना, इसको भी मैं लगाता हूँ और इस मोबाइल को ऑन करके दिखाऊंगा। और पहले और एक बात, ये वाला जो दोनों कैपेसिटर, ये शॉर्ट बता रहा था, ठीक है, ये साइड तो शॉर्ट है दोनों, और ये साइड भी डीप आ रहा था, ये डीप नहीं आ रहा, देख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए दूसरा आईसी को बिठाने के बाद मैं आपको सेट को ऑन करके दिखता हूँ, सेट ऑन होता है या नहीं, ठीक है। सो फ्रेंड, देखिए मैंने जो मेन पावर आईसी था उसको बैठा चुका हूँ, PMI 8952, और ये रहा आपका PM 8953 का, अभी जो PMIC है मैं लगा रहा हूँ उसको। तो थोड़ा आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम हीट कम करके रखना है दोस्तों, ठीक है, हीट थोड़ा सा कम करके रखना है, जब तक कि ये आईसी बैठ नहीं जाता तब तक हीट आपको कंट्रोल देना है, ठीक है। उसके बाद आप जितना चाहिए इतना हीट दे के आपका आईसी को हिला सकते हैं और मोबाइल को ऑन करा सकते हैं। फिलहाल आईसी बैठने तक आपको कुछ छेड़छाड़ी करना नहीं है, प्यार और हीट कम देना है, ठीक है। ये आईसी बैठ चुका है और अभी फिलहाल हम थोड़ा पेस्ट डालेंगे और उसको उससे ज़्यादा रिहट करेंगे, क्योंकि रिहट करने से उसका जो बॉल है उसको सही तरीके से बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसको बिठा चुका हूँ और अभी लेता हूँ अच्छा ट्यूज और आपको थोड़ा ज़्यादा हीट करके आईसी को हिला के दिखाता हूँ साइड में, ठीक है। अभी ज़्यादा हीट दे के आप इस आईसी को हिला सकते हैं, हीट पड़ चुका है आईसी में और अभी आईसी को आप हिला सकते हैं, फिर थोड़ा हिलाना है नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तू गुज। फिलहाल मैंने दोनों आईसी को बिठा चुका हूँ, ये वाला जो सेकंड आईसी और अंदर का आईसी जो मैंने बिठा चुका हूँ, और अभी मैं कंटिन्यूटी चेक करता हूँ। तो फिलहाल एक ही साइड में ये बता रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये इसको चेंज करता हूँ तो क्या होता है, सेटिंग देता है क्या, ठीक है, ये ठीक है। और ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो आईसी तो लगा चुके हैं लेकिन बट ये अभी भी थोड़ा शॉर्ट दे रहा है। तो फिलहाल हम देखते हैं मोबाइल को थोड़ा चार्ज कर लेते हैं, मोबाइल ऑन होता है कि नहीं, ठीक है फ्रेंड। ये रहा हमारे पास चार्जर और मोबाइल, ठीक है, मोबाइल तो वाइब्रेट कर चुका है फ्रेंड, और आपके सामने देखिए MI लिख के आ चुका है। ये जो दोनों आईसी मैंने लगाया था वो सक्सेसफुली इस मोबाइल में काम कर चुका है, ठीक है। और अभी चार्ज हो रहा है कि नहीं मैं आपको दिखा देता हूँ आपके सामने, ये देखिए चार्ज भी हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल मैं मोबाइल को थोड़ा ऑन कर लेता हूँ और टॉर्च वगैरह जो कुछ है काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है फ्रेंड। सो ठीक है, ये प्रॉपरली ऑन हो चुका है, थोड़ी देर लगेगा। जो मैंने इसको करीब 2-3 दिन से इसको काम कर रहा था, दोनों आईसी प्रॉब्लम था ये वाटर डैमेज होने की वजह से, ओके फ्रेंड। तो फिलहाल अभी ये मोबाइल ऑन कंडीशन हो गया है और ऑन भी हो चुका है, और अब ये देखने वाले बाद ये है जो आगे बढ़ के ये और कोई परेशानी आता है या अच्छे तरह से काम करता है ये देखना बाकी है, ठीक है। तो वीडियो के साथ ज़रूर बना रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बना सकूँ, ठीक है। और आप न्यू हैं मेरा चैनल पर, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में रहती है जो बेल आइकन उसको दबा दीजिए, मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बना सकूँ, ठीक है। ये ऑन हो चुका है, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। और अभी इमरजेंसी कॉल में आते हैं, ये देखिए साउंड भी आ रहा है आपके सामने, थोड़ा पास लगा भाई, ये अच्छा है, ठीक है।
चार्ज भी हो रहा है, थोड़ा लूज है मेरा जो चार्जर है, थोड़ी सी लूज है फ्रेंड। निकल गया था, चार्ज भी हो रहे, अच्छी कंडीशन है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। बस आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।